प्रार्थ करियो। भैया नाराज मत होना, मैं ये बात नहीं कह रहे, मैंने जो लिखा देखा प्रमाण में जो मिला वो आपसे हम बता रहे हैं। लेकिन जो करवा चौथ मैं बता रही हूँ, करवा चौथ जो व्रत रहती है, प्रमाण ये मिला है कि करवा चौथ के दिन बताते हैं, करवा चौथ के दिन रावण के, अरे वो नहीं बाल बनाए जाते हैं, शुद्धि कहते उसे, शुद्धिकरण हुआ था और उसी दिन ये लोग व्रत रहते हैं। मुझे तो गलत दिखता है लेकिन अब जो है वो तो होगा ही। तो प्यारे जब मैया लक्ष्मी के बाण उल्लू ने कह दिया है कि अब मैया हम तेरे से नाराज नहीं है, मैया ने कह दिया कि दीपावली के 11 दिन पहले जितने भी उल्लू होंगे उनकी पूजा होगी। आज लक्ष्मी मैया जैसे ही भगवान को लेने के लिए चली और जैसे ही भगवान को लेने के लिए चली लेकिन रोक दिया देवर्षि नारद ने, एक बात कह दी है कि नहीं अभी नहीं जाओ, अभी नहीं तुम्हें मिलेंगे। बोले फिर कब मिलेंगे, तो जवाब दिया है कि रुको, 2 दिन बाद रक्षाबंधन का त्योहार आता है, 2 दिन के बाद रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, तब तुम जाना राखी बांधना और राखी के बदले में वो जरूर कुछ देंगे, भाई बहन का ऐसा रिश्ता ही होता है, उन्हीं के बदले में तुम भगवान को ले आना। अब मैया चली और जब मैया चली तो मेरे श्रोता बंधुओं उसी समय मैया पहुंच गई। मैया ने कलाई पकड़ी राजा बलि की और कलाई पकड़ी राखी बांधने लगी, और जब राखी बांधने लगी तो राजा बलि बोले मैं तो तुम्हें जानते भी नहीं। मैया बोली तो हमें जानते नहीं, हम तुम्हारी मौसी की लड़की है। अरे चलो कोई बात नहीं है, बांधो राखी। राखी बांधी, अब हम तुम्हें दे क्या, क्या लेना चाहती हो? बोले हम कुछ नहीं लेना चाहते, तुम्हारा नौकर है जो पहरेदारी कर रहा है इसे दे दो। तुरंत राजा बलि समझ गए कि हाँ ये मैया है और ये भगवान है। मेरे श्रोता बंधुओं दे दिया है, लेकर के जैसी चली तो आज भगवान ने एक बात कही है राजा बलि से, एक वचन दिया है कि राजा बलि हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, हम तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश 4-4 महीने तक तुम्हारी तुम्हारे यहाँ पहरेदारी करेंगे। बोल गोविंद भगवान की, वृंदावन विहार।